19 अक्टूबर 2018 जब केडीबी लाइव यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद फेसबुक केडीबी लाइव की शुरुआत हुई और आज फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर 11.5 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 1 मिलियन से भी ज्यादा। आज आप लोगों के प्यार का ही बदौलत है कि केडीबी लाइव सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक में ही सीमित नहीं है। आपके प्यार की वजह से ही आज केडीबी लाइव ऐप भी मार्केट में आ गया है। जब प्ले स्टोर में केडीबी लाइव ऐप आ गया है, इस ऐप में बिहार से जुड़ी हुई तमाम तरह खबरें दी जाती है और लोकल भी खबरें दी जाती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार या फिर बिहार के किसी भी जिले के हों, सभी जिलों की खबर दी जाती है इस केडीबी लाइव ऐप में और बिहार की भी खबरें दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है और साथ ही साथ इस ऐप में कोई भी यूजर खुद से खबर को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने जिला बिहार लेवल की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से फेसबुक इंस्टाग्राम में आप खबर पोस्ट करते हैं या फिर कुछ भी पोस्ट करते हैं, वीडियो, फोटो, हर चीज केडीबी लाइव ऐप में भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा और उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखने के साथ साथ खुद से भी खबर को पोस्ट करें। इसके लिए होगा आपको अकाउंट बनाना होगा। उसमें अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप अपना नाम और फोटो देकर के अपना अकाउंट बना लेंगे और खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे इस ऐप में। इस ऐप में एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ मैसेज कर पाएंगे, लाइक, कमेंट, शेयर, हर चीज कर पाएंगे। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए।